हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे AI टूल के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको यूज करके आप इस तरह की 3D शेप्स, करेक्टर्स और एलिमेंट्स बना सकते हो और वो भी सिर्फ एक क्लिक से। और इन एलिमेंट्स को आप अपने वर्क में यूज करके अपने वर्क को और भी प्रोफेशनल बना सकते हो। मैं इन एलिमेंट्स का यूज अपनी वीडियो एडिटिंग में करता हूँ, जिसकी वजह से काफी लोग मेरी वीडियो एडिटिंग को पसंद करते हैं। दोस्तों, इस टूल का नाम है PixCap। इस टूल को आप अपने मोबाइल और लैपटॉप दोनों में यूज कर सकते हो और वो भी बिल्कुल फ्री। इस टूल को यूज करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपने गूगल में टाइप करना है PixCap। अब इस वेबसाइट को ओपन कर लें। अभी हमारा टूल ओपन हो गया, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी इसे ओपन कर सकते हैं। यह इस टूल का होम पेज है। दोस्तों, इस टूल में हमें 10,000 से ज्यादा हाई क्वालिटी 3D मॉडल्स एंड करेक्टर्स यूज करने के लिए दिए जाते हैं। इस टूल में आप डिफरेंट एलिमेंट्स को यूज करके एक सीन क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा इन 3D करेक्टर्स को यूज करके एक कंप्लीट स्टोरी वीडियो भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी एलिमेंट को कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस इस वेबसाइट में मिल जाते हैं। इस टूल को यूज करने के लिए सबसे पहले यहाँ से आपने लॉग इन कर लेना है। इसमें आप किसी भी जीमेल अकाउंट से लॉग इन कर सकते हैं। लॉग इन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। इसमें ये ऑप्शन काफी कमाल का है। इसमें सिंपल आप अपनी इमेज अपलोड करके अपनी मर्जी का 3D अवतार क्रिएट कर सकते हो। सो अभी के लिए मैं आपको एलिमेंट्स के बारे में बताऊंगा। यहाँ लेफ्ट साइड पर आपको 3 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। इनमें से आपने एलिमेंट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ भी आपके सामने डेरो एलिमेंट्स शो हो जाएंगे। इधर इस बॉक्स में आप अपनी मर्जी का कोई भी एलिमेंट सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक 3D करेक्टर चाहिए जो कि लैपटॉप यूज कर रहा हो। इसके लिए मैं यहाँ टाइप करता हूँ यूजिंग लैपटॉप। अभी यहाँ आप देख सकते हैं काफी अच्छे रिजल्ट्स शो हो रहे हैं। अब इनमें से जिन पर ये प्रो लिखा आ रहा है, ये सब पेड हैं और बाकी फ्री। सो अभी हमें फ्री में इनको डाउनलोड करना है। इसके लिए यहाँ प्लान पर क्लिक करके फ्री प्लान वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। इससे फायदा ये होगा कि हमारे सामने जस्ट वही रिजल्ट शो होंगे जो कि फ्री है। इनमें से मुझे ये वाला बेस्ट लग रहा है, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद एडिट मॉडल पर क्लिक करना है। अब यहाँ इसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ 3D वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसमें यहाँ आप अगर कोई भी और एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ एडिट वाले बटन पर क्लिक करके आप ड्रेस, बियर्ड, स्किन, शूज, ऑब्जेक्ट, हर चीज का कलर चेंज कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ ढेरों पोजेज हैं, इनको भी आप यूज कर सकते हो। यहाँ आपको नीचे जो रोटेट का ऑप्शन मिल रहा है, इसको यूज करके आप अपनी मर्जी का कोई भी कैमरा एंगल एडजस्ट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ सीन वाले बटन में भी आपको लाइट की एडजस्टमेंट और ब्राइटनेस कम या ज्यादा करने के ऑप्शन के साथ साथ शेडो को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। सो सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अभी आपके पास एक PNG फाइल आ गई है। अब इसको आप चाहें तो अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इजीली यूज कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, और किसी भी नए AI टूल के बारे में जानने के लिए मेरे इस चैनल से जुड़े रहें।